जिज्ञासु मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है न्याय दर्शन का, कि न्याय दर्शन क्या है, उसकी बातें क्या हैं, किन तथ्यों को हमारे समक्ष वो रखता है। हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ये समझने का प्रयास करें कि न्याय दर्शन अपने नाम से ही अपना परिचय देता है। न्याय दर्शन अर्थात जो न्याय करने वाला है और जिसके माध्यम से न्याय होता हो, तो दर्शन शब्द का अर्थ हमने पिछले व्याख्यानों में समझने का प्रयास किया कि दर्शन मतलब किसी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना, किसी वस्तु के यथार्थ को जानना, ये दर्शन है, किसी के सत्य को जानना। लेकिन न्याय दर्शन उसमें भी जो न्याय कर देता है, न्याय का तात्पर्य ये ना समझे कि कोई भाई न्याय पद्धति इसमें बताई गई होगी जिससे कि समाज में न्याय किया जाता होगा। वास्तव में न्याय पद्धति है क्या? मान लीजिए किसी न्यायालय के अंदर अगर कोई न्यायाधीश है तो वहां पर क्या चलता है? कोई अगर अपराधी है, उसको सजा सुनानी है, उसके अपराध को प्रमाणित करना पड़ता है, तब जाकर उसे सजा होती है, उससे पहले उसे सजा नहीं हो सकती। तो पद्धति है, लेकिन यहां पर न्याय दर्शन का जो परिवेश है, जिस विषय हेतु न्याय दर्शन या न्याय शब्द का प्रयोग हो रहा है, वो किसी अपराधी को सजा सुनाने हेतु नहीं है, किसी अपराधी को दंड देने हेतु नहीं है, अपितु निष्कर्ष पर पहुंचना। वहां पर भी जो डिबेट होते हैं न्यायालय के अंदर, दो वकील हैं कोर्ट के अंदर, वो डिबेट कर रहे हैं आपस में, तो निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यह न्याय दर्शन, गौतम ऋषि का दर्शन, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम उनके माध्यम से हुआ और इसी अक्षपाद दर्शन, क्योंकि अक्षपाद गौतम ऋषि का एक नाम था, लेकिन इसको और भी नाम दिए गए। इसको तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र के साथ इसे तर्कशास्त्र भी, क्योंकि सर्वप्रथम जो तर्क की जो परंपरा प्रारंभ होती है, तर्क करने की या शास्त्रार्थ करने की जो परंपरा प्रारंभ होती है, वो न्यायिकों के द्वारा शुरू की गई। न्यायिकों अर्थात जो न्याय दर्शन के फॉलोअर हैं, जो न्याय दर्शन के विद्वान हैं, उनके द्वारा ये तर्कशास्त्र, तर्क करने की परंपरा को प्रारंभ किया गया और इसके प्रवर्तक गौतम ऋषि हुए। उसके बाद में वात्स्यायन हुए, महर्षि वात्स्यायन, जो कि बाद में कामसूत्र के भी रचयिता माने जाते हैं, और फिर वाचस्पति मिश्र हुए, जो न्याय दर्शन के विद्वान हुए, और वात्स्यायन का जो सूत्र थे, न्याय सूत्र जो वात्स्यायन के द्वारा जो लिखे गए, वास्तव में वही न्याय दर्शन के रूप में ज्यादा प्रचलित हुए। गौतम ऋषि के सूत्रों पर उन्होंने अपना भाष्य दिया। वात्स्यायन का जो भाष्य था वो बड़ा महत्वपूर्ण था और वो न्याय दर्शन की हमें ठोस जानकारी हमें प्रदान करता है। वर्तमान में भी उसके उनके भाष्य पर टीकाएं उपलब्ध हैं। तो न्याय दर्शन न्याय करता है, वो हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करता है। कुछ ऐसी चर्चा है न्याय दर्शन के अंदर। तो न्याय दर्शन का जो सबसे पहला जो विषय है वो आप तर्क के माध्यम से इसको वाद विद्या भी कहते हैं, वाणी के माध्यम से आप अपनी बात रखिए, आप अपना तर्क रखिए, अगला व्यक्ति उस पर दूसरा तर्क रखेगा, और इस प्रकार से तर्क करते हुए, लेकिन तर्क निरर्थक नहीं होंगे, निराधार नहीं होंगे, उसका आधार होगा, तर्क करने के आधार हुआ करते थे। ऐसे कि नहीं कि हमने कुछ भी कहना शुरू किया, कोई भी तर्क, कहीं की बात कहीं छेड़ दी, कहीं भी तीर चला दिया, ऐसी नहीं। एक व्यवस्था के अंदर, एक सिस्टम के अंदर वो तर्क शास्त्र होते थे और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता था। इसलिए न्याय दर्शन अपनी संपूर्ण बातों को जब रखता है तो तर्कपूर्ण ढंग से रखता है, तर्कपूर्ण ढंग से रखता है, और
फिर इसमें महत्व किसका, परिभाषित ज्ञान को परिभाषित करता है, ईश्वर को परिभाषित करता है, आत्मा को, मोक्ष को। न्याय का जो लक्ष्य है, न्याय दर्शन ये कहता है कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है, वो मोक्ष की प्राप्ति है, और मोक्ष को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। लेकिन इस बात को, जीवन को समझो, उसके लिए जो तर्क जरूरी है, जो बातें जरूरी है, उनको जानना जरूरी है, ज्ञान का होना अनिवार्य है। इसलिए ज्ञान को बहुत ही बृहत रूप में, विस्तार रूप में न्याय दर्शन के अंदर परिभाषित करने का प्रयास किया गया। और ज्ञान क्या है? जो प्रकाश, ज्ञान को प्रकाश के समान, जो प्रकाशित करे किसी वस्तु को, वो ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा किसी कोई वस्तु प्रकाशित होती है, और जब वो प्रकाशित होती है तो हमें उसका ज्ञान होता है। इस प्रकार से कुछ वर्णन वहां पर किया गया है। और तर्क के ही विभिन्न जो अंग हैं, उसके साधन हैं, उसके अंग हैं, या उनका जो तरीका है, उन्हीं को 16 पदार्थों के अंदर विभाजित किया गया है न्याय शास्त्र के अंदर, न्याय दर्शन के अंदर 16 पदार्थ हुए। और वो 16 पदार्थ क्या, हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम पदार्थ बताया गया प्रमाण, प्रमेय, तीसरा संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेतु, भाषा, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये सारे तर्क के तरीके हैं। ये जितने भी 16 पदार्थ महर्षि गौतम के द्वारा प्रस्तुत किए गए, ये तर्क के लिए है। किसी वस्तु के, किसी ज्ञान के निष्कर्ष पर, जो आखिरी यथार्थ ज्ञान तक पहुंचने के लिए, यथार्थ ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए ज्ञान को दो भागों में, दो तरह से परिभाषित किया गया है, प्रमा और अप्रमा। प्रमा क्या है? प्रमा है यथार्थ ज्ञान, और अप्रमा है अयथार्थ ज्ञान। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, अंधकार में कोई रस्सी पड़ी हुई है और हमने उसको देखा और हमने उसको समझा कि ये सर्प है, ये रस्सी नहीं है, ये तो सांप है। तो ये जो हमें ज्ञान हुआ, ये भी ज्ञान हुआ वहां, क्योंकि हमें वो रस्सी सांप के रूप में प्रकाशित हो रही है। लेकिन यह जो ज्ञान है, ये अयथार्थ है, ये यथार्थ नहीं है, और यथार्थ नहीं होने के कारण ये प्रमा नहीं है, ये अप्रमा है। इसे अप्रमा की संज्ञा देगी। हाँ, उसको देखने के बाद हमें ज्ञान हुआ कि वह रस्सी है, वह सर्प नहीं है, वह रस्सी है। तो जब हमें यह पता चला कि वह रस्सी है, तो यथार्थ ज्ञान हुआ, क्योंकि वह तो रस्सी है। अप्रमा वह ज्ञान है जिसका अस्तित्व उस निश्चित वस्तु के अंदर नहीं होता। जैसे कि रस्सी के अंदर सांप का अस्तित्व तो है नहीं, लेकिन भ्रम हो रहा है सर्प होने का। तो ये जो, ये भी एक तरह का ज्ञान है, लेकिन ये भ्रम युक्त है, अयथार्थ है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो यह है कि वह रस्सी है, और जब रस्सी का ज्ञान हो जाए तो यथार्थ ज्ञान हुआ, तो समझना चाहिए कि यह प्रमा है। इन दो भागों में ज्ञान को प्रमा और अप्रमा के रूप में विभाजित किया गया, कि कोई वस्तु हमारे सामने जब प्रकाशित होती है तो हमें कुछ भ्रम भी हो सकता है जो कि यथार्थ नहीं है। और जहां भ्रम की अवस्था, इसलिए अप्रमा के अंदर संशय है, भ्रम है और तर्क है। जब हम किसी बात को तर्क के द्वारा कहते हैं, तो फिर वो भी अप्रमा की श्रेणी में आ गया, क्योंकि उसका इंद्रिय संबंध नहीं बन रहा। प्रमा के अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है न्याय दर्शन में। और उसके बाद अनुमान को, और अनुमान का भी प्रमाण होगा, बिना प्रमाण के तो अनुमान खड़ा ही नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान, और उस प्रत्यक्ष ज्ञान में लौकिक ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, इंद्रिय संबंध। प्रत्यक्ष ज्ञान न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहा जा रहा है जिससे हमारा इंद्रिय संबंध स्थापित हो रहा हो। जिन वस्तुओं से हमारा इंद्रिय संबंध स्थापित हो रहा हो, वो वस्तुएं प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए स्मृति को भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं माना गया, अनुमान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहा गया। प्रत्यक्ष ज्ञान जिससे इंद्रिय संबंध बन रहा हो, तो न्याय दर्शन में इस प्रकार से, और फिर एक लॉजिकल सिस्टम को डेवलप किया इसने,
निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी वस्तु विशेष को और हर चीज को, जो भी बात अगर ज्ञान को परिभाषित करते हैं तो तर्क के अनुसार परिभाषित करते हैं, ईश्वर को, आत्मा को, किसी भी चीज की जो परिभाषा है उसका आधार प्रत्यक्ष ज्ञान तो है ही, लेकिन तर्क है, प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित तर्क है कि हमारी इंद्रियां ये अनुभूति कर रही हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि ये होगा, तो संभावित। तो इस तरह से कई चर्चाएं चलती हैं प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर, प्रमा अप्रमा के ऊपर, न्याय दर्शन के अंदर, और ये तर्क का एक बहुत बड़ा एक जो परंपरा है, शास्त्रार्थ करने की परंपरा हम कह लें, तर्क करने की जो परंपरा है उसको विकसित करता है, इसलिए इसे तर्क शास्त्र का आधार बताते हैं। ये तर्क शास्त्र का आधार है, लेकिन तर्क निराधार नहीं, उसका आधार प्रत्यक्ष अनुभूतियां होनी चाहिए, इंद्रिय अनुभूतियां होनी चाहिए, उसका आधार ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अंततः क्या न्याय दर्शन आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक भी है और ईश्वरवादी भी है। कैसे? ईश्वरवादी, क्योंकि इसमें ईश्वर श्रेष्ठ है। अब ईश्वर को, यद्यपि जैसे हम वेदांत का अध्ययन करते हैं तो वेदांत में ब्रह्म को परिभाषित किया गया है, अद्वैत वेदांत में ब्रह्म की व्याख्या बृहत रूप में की गई है, लेकिन अन्य दर्शनों में जब हमने वेदांत की चर्चा की थी तब भी ये बताया था कि वेदांत की विशेषता ही यही है कि वो ब्रह्म को परिभाषित करता है, ब्रह्म की बृहद व्याख्या देता है, लेकिन अन्य दर्शनों में ब्रह्म की परिभाषा नहीं मिलती है। जैसे न्याय दर्शन है तो न्याय दर्शन में आत्मा को माना गया और आत्मा के दो प्रकार माने गए। आत्मा के दो प्रकार क्या? एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। जीव आत्मा बंधन युक्त है, कर्म बंधन में रहता है, परमात्मा बंधन मुक्त है, परमात्मा बंधन मुक्त है, तो न्याय दर्शन परमात्मा को परिभाषित करता है, ईश्वर को भी करता है, ईश्वर की मान्यता है, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर से प्रेम की प्रधानता देता है और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है। और उसके पीछे तीन तर्क, तीन आधार। अब ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कैसे हो? तो न्याय दर्शन का जो ईश्वर है, न्याय दर्शन का जो परमात्मा है, वो उसे किस प्रकार से सिद्ध करते हैं? बहुत ही, वैसे तो बहुत ही सूक्ष्म विवेचना है। विवेचना क्या है कि न्याय दर्शन के अंतर्गत वात्स्यायन ने जो ईश्वर की जो परिभाषा, किस आधार पर? पहला उनका जो था कारणाश्रित तर्क थे, फिर नैतिक थे और फिर वैदिक तर्क थे। ये तीन तर्कों का आधार लेकर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। कौन कौन से तर्क? पहला तर्क तो कारणाश्रित। कारणाश्रित तर्क यह है कि संपूर्ण सृष्टि का कारण ईश्वर है, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। ये सृष्टि बनी कैसे है? अब हम इस पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि न्याय दर्शन विवेचना बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही रोचक भी है साथ में। न्याय दर्शन की जो ईश्वर की विवेचना है, भगवान की विवेचना है, न्याय दर्शन कहता है कि ईश्वर कारण है संपूर्ण जगत का, ईश्वर ने सृष्टि बनाई है और एक दिन वो सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा और वो भी ईश्वर हुआ करने वाला। अब न्याय दर्शन का ईश्वर कौन है, ये सृष्टि बनी कैसे है? तो न्यायिक कहते हैं या न्याय दर्शन के विद्वान या जो भाष्यकार हैं वो ये कहते हैं कि ये सृष्टि परमाणु से बनी है। लेकिन परमाणु कैसे बन गए? अब परमाणु से अगर बनी है तो परमाणुओं के बीच में बनने की जो गति है वो गति कहां से आई? तो वो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यह जो परमाणु के मध्य जो गति है, परमाणु के अंदर वैसे कोई गति नहीं, उसी प्रकार से वो आत्मा की भी व्याख्या करते हैं कि आत्मा के अंदर वस्तुतः कोई चेतना नहीं। न्यायिकों का मानना यह है, न्याय के विद्वानों का मानना यह है, इस पर हम आएंगे, लेकिन पहले ईश्वर। वो कहते हैं कि जो परमाणुओं के मध्य जो गति है वो ईश्वर है, अन्यथा परमाणु के अंदर गति नहीं होती, ये गति ही ईश्वर है।
और उस गति के कारण ही ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो रहा है। प्राण परमाणु एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो विभिन्न तत्वों का निर्माण कर रहे हैं और देखते देखते पंच तत्वों का निर्माण होता है। ईश्वर ने पंच तत्वों को गति प्रदान करके, पंच तत्वों को मतलब अर्थात धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन पंच तत्वों को गति प्रदान कर इनके मिश्रण से इस संसार को बनाया है। ये कार्य ईश्वर का है। जीवात्मा को भी ईश्वर ने बनाया है। आत्मा में कोई गति नहीं है, आत्मा में कोई चेतनता नहीं है, लेकिन आत्मा जब मन बुद्धि चित्त अहंकार के संपर्क में आता है, शरीर के संपर्क में आता है, तो उस समय चेतना का प्रादुर्भाव होता है, चेतना का प्रकटीकरण होता है। वैसे चेतना आत्मा के अंदर नहीं है, आत्मा स्थिर तत्व है। फिर यह भटकता है, अनेक जन्म प्राप्त करता है। तो जो साधारण भाषा में हम कहें कि नायक दर्शन ये कहता है कि दुनिया को देखो, हम एक घड़ा बनाते हैं, सुंदर सा घड़ा। वो घड़ा कब बना, उसमें पानी रखने की क्षमता कब आई, जब एक कुम्हार ने मिट्टी को उसको आकार दिया, तब उसका अस्तित्व आया। तो फिर हम ये कैसे मान सकते हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण सृष्टि जो इतनी सुंदर है, आप ये कैसे कह सकते हो कि उसको किसी ने नहीं बनाया, उसको बनाने वाली शक्ति है और वही शक्ति ईश्वर है। तो पहला तर्क था कारण आश्रित तर्क। दूसरा तर्क न्याय विद्वानों ने दिया, न्याय दर्शन देता है ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, वह तर्क था नैतिक तर्क। अर्थात मनुष्य अपने कर्म करता है और कर्म के मध्य वो पाप भी करता है, वो पुण्य भी करता है, और फिर पाप और पुण्य का फल भी भोगता है। लेकिन ये पाप और पुण्य जिनका फल नहीं मिला, वो संचित कहां पर होते हैं, तो वो ईश्वर उसे संचित करता है, और फिर समय आने पर, उचित समय पर, ईश्वर ही पाप और पुण्य का फल प्रदान करता है। तभी तो कोई जीव हम समाज में देखते हैं, इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी उसे फल प्राप्त नहीं हो रहा। कोई व्यक्ति बहुत थोड़ा मेहनत कर रहा है और उसे बहुत फल प्राप्त हो रहा है। कोई पुण्य कर रहा है फिर भी दुख भोग रहा है, कोई पाप कर रहा है फिर भी दुख भोग रहा है। तो ये अपने अपने कर्मों का फल है, लेकिन कर्मों के फल का जो प्रदाता है वो ईश्वर है। तो ये नैतिक कारण, ये नैतिकता को बनाए रखना ईश्वर का कार्य है, और वो कर्म का आधार देकर, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल, किसी ने अच्छे कर्म किए तो उसको अच्छा फल, और किसी ने बुरे कर्म किए तो उसे दंड देकर, उसे वैसा दंड देकर ईश्वर ही न्याय करने वाला है। ईश्वर सबसे बड़ा न्यायाधीश है न्यायिक न्याय दर्शन के अनुसार। तो दूसरा कारण उन्होंने बताया नैतिक, पहला कारण आश्रित नैतिक तर्क, और तीसरा वैदिक प्रमाण, वेद प्रमाण है, क्योंकि न्याय दर्शन वैदिक दर्शन है, वैदिक फिलॉसफी है, तो इसके अंदर वेद प्रमाण है, क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं कि ईश्वर है। वेद के कई ऋचाएं, कई श्रुतियों की कई ऋचाएं जो है, कई मंत्र जो है, ये प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर है, इस सृष्टि को किसी ने बनाया है, वो ऐसा कहते हैं, और इसीलिए ईश्वर है क्योंकि वेद प्रमाण देते हैं। तो पहला कारणाश्रित, दूसरा नैतिक आश्रित, और तीसरा वेद प्रमाण है। तो इन तीन आधारों पर न्याय दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास करता है। लेकिन जो इसके आलोचक हुए, उन्होंने सीधा चुनौती दी कि आप जो कह रहे हैं इससे ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। हां, ईश्वर के अस्तित्व की संभावना प्रमाणित होती है जब हम यह कहते हैं कि सृष्टि को किसी ने ना किसी ने बनाया होगा। जब एक संसार की एक वस्तु किसी न किसी ने बनाई है, कोई उसका आविष्कारक है, कोई उसका निर्माणक है, कोई कलाकार है, कोई आर्टिस्ट है जिसने उसको वो रूप दिया है, कोई वैज्ञानिक है जिसने आविष्कार किया है, तो किसी ने प्रत्येक वस्तु जब बन रही है तो इतना सुंदर संसार क्या किसी ने नहीं बनाया? ईश्वर ने बनाया, ईश्वर कारण है, इसके पीछे निमित्त कारण है वो, तो इसलिए वो ईश्वर को मानते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं
आलोचकों ने कहा ये जो आप कह रहे हैं ये ईश्वर के अस्तित्व की संभावना को सिद्ध करता है, ना कि ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसलिए न्याय दर्शन के, क्योंकि सारी बातें तर्क के आधार पर कही गई, इसलिए इसे तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए तर्क दिए गए, ईश्वर को बताने के लिए तर्क, परमाणुओं के बीच की गति, परमाणु तक की व्याख्या। न्याय और वैशेषिक की विशेषता यह है कि वो भौतिक रूप से बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाके बातें करते हैं। उस समय आज से हजारों वर्ष पहले गौतम ऋषि का समय, और उस समय अणु और परमाणु की बातें हमारे शास्त्रों में चल रही थी। हम तो बाद में पढ़ते हैं एटॉमिक थ्योरी और क्या क्या चीज, लेकिन वो एटॉमिक थ्योरी वहां पर दे रहे हैं, और एटम के अंदर गति होती है, परमाणु के अंदर गति होती है, इसकी भी बात कर रहे हैं, और ये जो गति है उसको ईश्वर बता रहे हैं। तो इस तरह की सूक्ष्म व्याख्या तर्कों का एक सूक्ष्म तर्क और अनुभव गम्य तर्क, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित हो। निराधार तर्कों को कोई महत्व न्याय दर्शन में नहीं मिलता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है न्याय करना। इसलिए ईश्वर के संदर्भ में भी तर्क के आधार पर न्याय दर्शन ने अपनी बातें रखी। नैतिक तर्क, कारण आश्रित तर्क और वैदिक तर्क, इन तीन तर्कों के आधार पर ईश्वर को समझाने का और फिर आत्मा को समझाने का प्रयास न्याय दर्शन में होता है। तो ये न्याय दर्शन की विशेषता है। ईश्वर है, इस संसार को ईश्वर ने बनाया है, और कर्म फल का प्रदाता भी वही है, जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल देगा, बुरे कर्म करेगा बुरा फल देगा। ये जो विचारधारा है जो समाज में प्रसारित हुई है वो न्याय दर्शन के विस्तार से हुई है। आत्मा परमात्मा इस शब्द का जो प्रयोग है वो भी न्याय दर्शन के विस्तार से, इसलिए न्यायिक मानते हैं या न्याय के विद्वान मानते हैं। सृष्टि बनी है और इसका प्रलय भी होगा एक दिन। यद्यपि ये बात मीमांसकों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, मीमांसा के जो विद्वान थे वो तो सृष्टि कभी बनी और कभी प्रलय, वो तो कहते हैं कि नित्य ही सृष्टि प्रलय चल रहा है, नित्य ही हो रहा है सृष्टि और प्रलय, नित्य ही हो रहा है, नित्य ही न्याय हो रहा है, नित्य ही सारी क्रियाएं चल रही हैं। कुछ इस तरह का वर्णन हमें वहां पढ़ने को मिलता है। तो सृष्टि प्रलय की बातें भी न्याय दर्शन करता है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास तर्क के आधार पर करता है, उसकी आलोचना भी मिलती है फिर कि भाई ये तो संभावना को सिद्ध करता है, अस्तित्व को सिद्ध नहीं करता है। फिर आत्मा की चर्चा, आत्मा ही ज्ञान को धारण करता है, ज्ञान का कारण आत्मा बनता है, और आत्मा ही एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है और वो अपने कर्मों का भोग करता है। आत्मा में चेतना नहीं है, जब संबंध शरीर और मन से बनता है तो चेतना विकसित होती है। कुछ इस तरह की बातें न्याय दर्शन में मिलती है, जो कि समाज के अंदर भी प्रसारित है। हम आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, ईश्वर को हम कहते हैं कि सृष्टि ये दुनिया भगवान ने बनाई है। तो ऐसी बातों का जो प्रसार हुआ, कौन को, किसी ना किसी ने तो बनाई है, हम कैसे मान सकते हैं किसी ने नहीं बनाई। तो ये इस बात पर बहुत जोर देता है न्याय दर्शन कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि दुनिया किसी ने नहीं बनाई, किसी की इसमें बुद्धि नहीं लगी, किसी की शक्ति का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या हम सब ऐसे ही बन गए हैं। तो इस तर्क को न्याय दर्शन स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि संसार में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी से, किसी के द्वारा बनाया गया। जब आदमी इतना कुछ बना देता है तो इतना सुंदर संसार, इतना बड़ा संसार जरूर किसी ने बनाया है, और जिसने बनाया है वो ईश्वर है, वो कर्मों का फल देने वाला है, वो न्याय करने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा न्यायाधीश ईश्वर है। ईश्वर को न्यायाधीश के पद पर रखा गया, न्याय करने वाला बताया गया, कर्मों का फल देने वाला बताया गया, इसलिए यह न्याय दर्शन है। यह न्याय दर्शन का आधार था, तर्क था, और वो तर्क का आधार प्रत्यक्ष था, प्रमाण था, अनुमान था, स्मृति थी, इन सब बातों को लेकर तर्क किए जाते थे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता था, और इस प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व को प्रतिपादित किया गया, ईश्वर के अस्तित्व को भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। और जीवन, मनुष्य जीवन बंधन में है, आत्मा बंधन में है, परमात्मा मुक्त है, इसलिए पाप और पुण्य से वो मुक्त हो जाए, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, और इसके लिए सर्वोपरि निष्काम कर्म है। वो निष्काम कर्म न्याय, निष्काम कर्म को भक्त मत देता है। अगर कोई मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है,
वो निष्काम कर्म के द्वारा ही ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। निष्काम कर्म को सबसे ज्यादा महत्व भी दिया गया न्याय दर्शन में, श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं तो सभी दर्शनों का समावेश वहां मिल जाता है, चाहे वो न्याय हो, वैशेषिक हो, योग हो, मीमांसा हो, वेदांत हो। तो इस प्रकार से न्याय दर्शन अपनी नैतिक बातों को समाज के समक्ष रखता है और हमारे ज्ञान का विकास करता है। तो न्याय दर्शन ईश्वर भक्ति और भारतीय आध्यात्मिक साधना में अपना योगदान कुछ इन बातों के साथ देता है। जिसको हम समझते हैं तो निश्चय ही हम उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा वो ईश्वर जो न्याय के द्वारा परिभाषित है उसको हम जान सकते हैं और उसके कृपा पात्र भी बन सकते हैं। धन्यवाद।